students, in our previous lecture we have discussed the grammar section of our chapter 2, the skipping shoes. Now in this lecture we will start the exercise part of our chapter 2. So let's start the remaining exercise of our chapter 2. Our A block is match the animals with their cries. Okay, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं, उन्हें उनकी क्राइस के साथ मिलाना है, मतलब कि वो जो जानवर है वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, वो किस तरह से जो शोर होता है वो करते हैं, तो उनको उनकी आवाज़ से मिलाना है. ओके, मंकीज़, ठीक है, हमारा फर्स्ट एनिमल है मंकी. तो मंकी जो होता है, बंदर जो होता है, वो किस तरह की आवाज़ निकालता है, चैटर. ओके, मंकी जो होता है, बंदर जो होता है, वो किस तरह की आवाज़ निकालता है, चैटर करता है. ठीक है, तो मंकी को हम किससे मिलाएंगे, चैटर से मिलाएंगे. ओके, टाइगर्स. ओके, तो टाइगर्स जो होता है, जिसको हम चीता कहते हैं, तो टाइगर किस तरह की आवाज़ निकालता है, टाइगर जो होता है वो ज़ोर से दहाड़ता है, तो टाइगर क्या करता है, रोअर. ओके, तो हम टाइगर को रोअर से मैच करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है बियर्स. जो भालू होते हैं वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, भालू जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोयल. ठीक है, तो भालू जो होते हैं वो गरजने की आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, उनका जो आवाज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोअल कहते हैं. ठीक है, एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी जो होते हैं, वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, उनकी जो आवाज़ होती है उसे कहा जाता है ट्रम्पेट. ओके, तो एनिमल की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, ट्रम्पेट कहा जाता है, तो हमने एनिमल को ट्रम्पेट से मिला दिया है. ओके, नाउ हॉर्सेस, जो घोड़े होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, वो किस तरह से आवाज़ करते हैं, तो जो घोड़े होते हैं वो हिनहिनाने की आवाज़ करते हैं, नाय करते हैं, तो घोड़े को हम किससे मिलाएंगे, हॉर्स को, नाय. ओके, तो इस तरह से हमने एनिमल्स को उनकी क्राइस के साथ मिला दिया है. ठीक है, ये जो जानवर होते हैं वो किस तरह से आवाज़ करते हैं, हमने उन्हें उनके साथ मैच कर दिया है. ठीक है, नाउ कम टू अवर बी पार्ट, जॉइन द वर्ड्स दैट गो टुगेदर. ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स को आपको एक दूसरे से मैच करना है, और आपको ये चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आपको इन वर्ड्स को उसी वर्ड के साथ मैच करना है जो कि ये साथ में आए हैं, मतलब इस स्टोरी के अंदर ये जो वर्ड्स हैं वो साथ में यूज़ हुए हैं, तो कौन सा वर्ड किसके साथ में यूज़ हुआ है, हमें उसे उसके साथ मैच करना है. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा लॉन्ग. लॉन्ग वर्ड जो है वो किसके साथ यूज़ हुआ है, लॉन्ग गर्ल, क्या लॉन्ग वर्ड गर्ल के साथ यूज़ हुआ है, लॉन्ग गर्ल, लॉन्ग रिवर, लॉन्ग बटन्स, लॉन्ग लीप्स या लॉन्ग शूज़. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें लॉन्ग वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ था, लॉन्ग लीप्स. ओके, जो किटी थी उसकी छलांग कैसी थी, लंबी थी, तो लॉन्ग वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ है, लीप्स के साथ. ओके, आप अपनी कॉपी में जब भी मैच मिलाएंगे तो आप हमेशा स्केल का यूज़ करेंगे, और अगर आप स्केल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप जब भी अपनी कॉपी में मैच मिलाएं उस वर्ड के सामने ही उसका करेक्ट वर्ड लिख दें. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यू. न्यू वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ था, न्यू गर्ल, न्यू रिवर, न्यू बटन्स, न्यू लीप्स या न्यू शूज़. ओके, तो न्यू वर्ड्स जो है वो किसके साथ यूज़ हुआ था, न्यू शूज़. ओके, तो न्यू को हम किसके साथ मैच करेंगे, शूज़ के साथ मैच करेंगे. ओके,
नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लू। ब्लू वर्ड जो है वो किसके साथ यूज हुआ था? ब्लू गर्ल, ब्लू रिवर, ब्लू बटन्स। ओके, तो किसके साथ यूज़ हुआ था? ब्लू वर्ड रिवर के साथ यूज़ हुआ था। तो ब्लू को हम किससे मैच करेंगे? रिवर से मैच करेंगे, ब्लू रिवर। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरन। तो एरन वर्ड जो है वो किसके साथ यूज़ हुआ था? एरन गर्ल, एरन बटन्स। तो एरन वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ था हमारा? एरन गर्ल। ओके, तो हम एरन को गर्ल्स के साथ, गर्ल के साथ मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड इज ब्राइट। ओके, ब्राइट वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ था हमारा? ब्राइट बटन्स। ओके, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे, ब्राइट बटन्स। ओके, सो आपको इस तरह से इन्हें करना है। ओके, आप ये जो मैच मिला रहे हैं, अगर आप इसे इस तरह से साफ़ सुथरा मिला पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनका जो वर्ड है वो सामने ही लिख दें। लॉन्ग लिप्स है तो लॉन्ग के सामने ही लिप्स लिख दें। न्यू शूज़ हैं तो न्यू के सामने ही शूज़ लिख दें। ब्लू रिवर, एरन गर्ल, ब्राइट बटन्स, तो आप इनका वर्ड जो है वो उनके सामने ही लिख दें। ओके, इस तरह से आप अपनी कॉपी में इन्हें करें। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पेल राइटिंग स्किल्स। यूज़ ई और IE टू कम्प्लीट दिस वर्ड्स। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, कम्प्लीट करना है। तो उसके लिए हमें EI या IE का यूज़ करना है, उसी से हमें क्या करना है, स्पेलिंग को कम्प्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर हिंट दी गई है कि I कम्स बिफोर E। I जो है वो E के पहले आ सकता है स्पेलिंग्स में, लेकिन कब नहीं आ सकता है? एक्सेप्ट आफ्टर सी। यदि सी दिया गया है, मतलब कि आपकी स्पेलिंग जहाँ पर फीलिंग दब, जहाँ पर ब्लैंक है, जहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ रही है, उसके पहले यदि सी है, ठीक है, तो उसके बाद में जो स्पेलिंग होगी वो आई ई नहीं होगी, मतलब कि आई से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स नहीं होगी। ठीक है, I comes before E except after C। यदि वो स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है तो फिर I जो है वो E के पहले नहीं आएगा। I E के पहले नहीं आएगा यदि स्पेलिंग में C आ रहा है ब्लैंक्स के पहले। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं दो, और उसके पहले C आ रहा है, तो उस केसेस में ई के पहले आई नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। हम यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग दे रखी है सी, ये आपकी स्पेलिंग ही सी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पेलिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ई आई आ रहा है, सी के बाद जस्ट आई ई नहीं आया। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि सी से जो स्पेलिंग्स स्टार्ट होंगी, मतलब कि सी से जो स्पेलिंग्स हो रही हैं या फिर बीच में कहीं सी आ रहा है, तो उस केस में भी यही होगा कि सी के बाद जो है वो आई ई नहीं आएगा। ठीक है, तो सी ई आई एल आई एन जी सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है, एक तो सीलिंग का मतलब छत भी होता है, और दूसरा मतलब होता है अधिकतम सीमा। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो अधिकतम सीमा होती है उसे भी सीलिंग कहा जाता है। तो सीलिंग की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? सी ई आई एल आई एन जी। ओके, सीलिंग। तो ये सी था इसलिए ई और आई आया है। ठीक है, इसको ई के पहले आई नहीं लिख सकते थे इसमें हम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी डैश डैश
सी ई ओके okay, अब यहाँ पर सी है लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में है, ठीक है। अगर वो पहले होता तो ई के पहले आई नहीं आता, लेकिन ये बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर ई के पहले आई आ सकता है, ठीक है। तो पी आई ई सी ई इसका मतलब होता है पीस, पीस मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्पेलिंग से वो अंतर समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि सी जो है वो इन फिल इन द ब्लैंक्स के पहले है तो आई ई नहीं हो सकता, मतलब ई के पहले आई नहीं आ सकता है। और यदि सी बाद में है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ई के पहले आई आ सकता है, ठीक है। आई ई हम फील कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर ई सी डैश डैश वी ई। ओके, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो सी है वो इन फिल इन द ब्लैंक्स के पहले है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगी है, मतलब ई के पहले आई नहीं आया है, यहाँ पर आपको ई आई लिखना पड़ा है, ठीक है। तो आर ई सी ई आई वी ई रिसीव। ओके, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर हमने आई ई क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सी जो है वो इन फिल इन द ब्लैंक्स के पहले दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी ई एल डैश डैश वी ई। ओके, अब यहाँ पर पूरी स्पेलिंग में कहीं भी सी ई सी नहीं है, ठीक है। तो हमें इस रूल की ज़रूरत नहीं है, हमें ये स्पेलिंग किस चीज़ की दिखाई दे रही है हमें उसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। बी ई एल डैश डैश वी ई, तो किसकी स्पेलिंग है ये? बी ई एल आई ई वी ई बिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी डैश डैश एन जी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? ई आई ओके बीइंग, जब आप यहाँ पर ई आई लिखेंगे तो क्या स्पेलिंग बन जाएगी हमारी? बीइंग, ठीक है। बीइंग का मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर ई सी डैश डैश पी टी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सी आया है, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स से पहले आया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वही ई के पहले आई नहीं आएगा, मतलब कि आई ई नहीं आ सकता है। क्या लिखेंगे? ई आई ही लिखना पड़ेगा। आर ई सी ई आई पी टी रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होता है रसीद, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर सी जो है वो इन फिल इन द ब्लैंक्स के पहले है तो आप आई ई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ई आई से ही उस स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। और अगर किसी स्पेलिंग में सी नहीं है तो आपको क्या करना है? उस स्पेलिंग को देखना है कि वो स्पेलिंग किसकी बन रही है, क्या लगाने से एक मीनिंगफुल स्पेलिंग बन रही है, वही वर्ड आपको वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 2। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट ऑल एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 2 इन योर पेयर कॉपी। ओके, आपको क्या करना है कि आपका जितना भी एक्सरसाइज पार्ट आज हमने किया है उसे क्या करना है? आपको अपनी पेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।